हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे कि चार टाइप्स है। इसके पहले हमने दो टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसमें हमने कहा था कि आयनिक सॉलिड और एक था कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब थर्ड टाइप है मॉलिकुलर क्रिस्टल्स और सॉलिड। ठीक है, तो मॉलिकुलर क्रिस्टल में क्या होगा, वहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो एज अ मॉलिक्यूल के तौर पर होंगे। ठीक है, यानी द सब्सटेंसेस सच एज क्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इनका अगर हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो इन सॉलिड स्टेट दे आर कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, क्योंकि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एज अ मॉलिक्यूल के तौर पे है। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंड होंगे, ठीक है, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, या वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्सेस द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। ठीक है, दीज आर पुअर कंडक्टर एंड गुड इंसुलेटर। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर होंगे फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड इंसुलेटर। अब जब पुअर कंडक्टर है तो फिर वो इंसुलेटर अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। नेक्स्ट है मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड। अब मेटेलिक क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो एक्चुअली मेटेलिक कैटायंस होते हैं एंड सराउंडेड बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या होगा, सो दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म बाय एटम्स ऑफ द सेम मेटेलिक एलिमेंट। एक ही मेटल्स के जो एटम्स होंगे, एक ही टाइप्स के मेटल्स के जो एटम्स होंगे वो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के तौर पे होते हैं। और दीज एटम्स आर आल्सो बाइंड विद ईच अदर, हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड से एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड होते हैं। और मेटालिक बॉन्ड इनमें कैसे बनता है, जो मेटल्स के कैटायन होते हैं और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन कैटायंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और इसी मेटालिक बॉन्ड से वो मेटालिक सॉलिड क्रिस्टल जो है मिलेगा। ठीक है, अब जबकि इसमें मेटालिक बॉन्ड है या मेटालिक कैरेक्टर इनमें है तो ये मेटल जैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, जैसे कि दीज आर द मैलेबल एंड डक्टाइल, मैलेबिलिटी इनमें होंगी, डक्टिलिटी होंगी, जो कि हम मेटल में पढ़ चुके, तो इसमें भी मैलेबल और डक्टिलिटी आती है। और ये जैसे कि मेटल है तो डेफिनेटली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर में क्या आएगा कि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटालिक बॉन्ड जो इनमें बनता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ठीक है, सो यहां तक है भाई टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो ये चार टाइप हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक बातें पढ़नी पड़ेगी कि एक्चुअली क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, क्या होता है, शुरुआत कहां से होगी, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है यूनिट सेल से। अब यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल मतलब होल क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है जो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में रिपीट होते जाएगा। ये यूनिट सेल एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और जिससे आपको होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। So the smallest repeating structural unit of crystalline solid and that is called as the unit cell. एक repeating structural unit होता है जो बार बार repeat होगा in all possible directions, ठीक है, और three dimensions बोल सकते हो, और उससे आपको एक crystal structure मिलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन unit cell। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि simple cubic unit cell बनाया है। Okay? अब lattice point क्या होता है, क्रिस्टल में जो atoms होंगे, constituent particles होंगे, मतलब atoms हो सकते हैं, ions हो सकते हैं, molecule हो सकते हैं, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशंस होती है क्रिस्टल में और उस पोजीशंस को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब जैसे कि यहां पर आप देखो यूनिट सेल बना है, इस यूनिट सेल की जो लाइंस है वो एक दूसरे को कहीं तो इंटरसेक्ट हुई है। ओके, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहे हैं यही इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। और इसी पॉइंट्स पर, इसी पोजीशंस पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो लोकेट होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इन द यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल्स की जो लाइंस है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ही क्या होगा, लैटिस पॉइंट। और इसी लैटिस पॉइंट से एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रक्चर बनेगा। द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर इन पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं तो हमें एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देगा, जैसे कि एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिख रहा है।
ओके, जहां पर आठ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं और उन्हीं एट पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट कहेंगे। तो लैटिस पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दो तो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मिलेगा ये किस टाइप से होगा, कितने टाइप के यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो यूनिट सेल से बनता है, तो फिर यूनिट सेल कितने टाइप्स में मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब वहां पर कितने टाइप्स के यूनिट मिलेंगे, यूनिट सेल मिलेंगे प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा, या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मिलेगा, या फेस सेंटर्ड, या फिर बेस सेंटर्ड। तो क्या होते हैं ये यूनिट सेल, सो प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल क्या होगा, किस तरह से होगा, इसमें इसमें बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है बिल्कुल वैसे होगा कि यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, दैट मींस आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल, दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कॉर्नर पे आपको वहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिचुएट होते हुए दिखाई देंगे, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली, ठीक है, कहां रहेंगे, सिर्फ कॉर्नर पे रहेंगे, तो कॉर्नर्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, और इन्हीं पॉइंट्स को जहां पर वो लोकेट हुए हैं, जिसको हमने लैटिस पॉइंट कहा है, इसको अगर हम जोड़ दें तो हमें पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। सो द प्रिमिटिव यूनिट सेल मींस द पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। ओके, नेक्स्ट जो यूनिट सेल है वो क्या है, यहां पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल लो या फेस सेंटर्ड लो या बेस सेंटर्ड लो, इन तीनों में एक बात तो कॉमन है बिल्कुल सिंपल क्यूबिक जैसा, कि कॉर्नर्स के पास आपको आठ एटम तो यहां पर भी दिखाई देंगे, लेकिन उन कॉर्नर्स एटम्स के साथ साथ कुछ और भी अदर एटम्स होंगे और उसी पर डिपेंडेंट उनके टाइप्स हैं। तो जैसे कि आप बोला है कि बॉडी सेंटर्ड है, यानी क्या होगा कि आठ एटम्स कॉर्नर पे तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में आपको एक एटम और मिलेगा और इसी को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। ओके, सो इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल्स, वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर, ठीक है, जो है वन पार्टिकल को कहा रहेगा इज एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी, यानी आठ कॉर्नर के पार्टिकल्स के साथ साथ एक पार्टिकल्स आपको उस बॉडी के सेंटर में भी मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अगर सिंपली हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं कि भाई यहां पर ये जो आठ है पार्टिकल्स, ये तो कॉर्नर पे है ही, ठीक है, बराबर, ये आठ पार्टिकल कॉर्नर पे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल यहां मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्या होगा, अब इसमें तो वही सिमिलर है कि आठ तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे होंगी, लेकिन फेस सेंटर्ड बोला है और क्यूब में कितनी फेसेस होती है, सिक्स फेसेस होती है, तो वहां पर आपको हर फेस पे सेंटर में पार्टिकल्स मिलेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेगा, मतलब छह फेसेस पे छह पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, अब उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा वो नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन हर फेस पर वहां पर आपको एक पार्टिकल्स दिखाई देगा, सो इसी को फेस सेंटर्ड कहेंगे। मतलब इन दिस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल, कॉर्नर पार्टिकल्स तो रहेंगे लेकिन इनके साथ साथ क्या होगा, वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है, कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेस के सेंटर पे आपको एक पार्टिकल दिखाई देगा, सिक्स फेसेस है तो सिक्स पार्टिकल मिलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहां पर क्या होगा, सेम बिल्कुल वैसे ही आठ पार्टिकल्स तो कॉर्नर पे है ही, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल्स देयर इज द टू पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ एनी टू फेसेस, छह फेस में से कोई भी दो फेसेस, आप अपोजिट फेस भी ले सकते हो, ठीक है, तो जैसे कि यहां पर होगा कि ये हुआ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके, जहां पर कॉर्नर्स पे आपको आठ एटम्स तो मिलेंगी, ओके, इस तरीके से आठ एटम्स तो आपको मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ उस क्यूब के दो फेसेस पे सेंटर पे आपको एटम्स मिलेंगे, जैसे कि मैं अपोजिट फेसेस ले लेता हूँ, यहां पर आपको एक एटम दिखाई देगा और यहां पर एक एटम, ठीक है, सो अलोंग दिस along with the eight atoms या particles at the corner, the two particles are placed at the center of any two faces, ठीक है, उसके छह faces में से किसी भी दो face पे आपको center में particles दिखाई देंगे और इसी unit cell को हम base centered unit cell कहते हैं। और जैसा ये unit cell का structure दिखा रहा है, ऐसे unit cell एक दूसरे से join होंगे और उससे आपको पूरा whole crystal structure मिलेगा। समझ में आया? तो ये हुआ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दो तो हमने पहले कर लिए थे, अब दो टाइप्स हमने यहाँ पर बता दिए और एक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई कि भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्चुअली यूनिट सेल से बनेगा और इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि यूनिट सेल के टाइप कौन कौन से होंगे। ठीक है, यहाँ तक ये अपना पॉइंट क्लियर होता है, समझ में आया? चलो, थैंक यू।